आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। ना जाने कौन सी घड़ी थी, बुझा गई घर का चिराग। इस सड़क की हालत देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान, डर रहे हैं लोग। प्रदेश में यौ क्या हो रहा, क्या कर रही सरकार। जवाली राजा का तालाब मार्ग पर जाने की सोच रहे तो पहले यह जरूर देखें। रविवार को यहां होती है विशेष पूजा अर्चना, होती है मुराद पूरी। अब खबरें विस्तार से। करियाड़ा के निकटवर्ती गांव कुंदली हार स्थित नकेड़ खड पुल के पास गत रात अचानक बाइक एक्सीडेंट में 27 वर्षीय युवा की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान साहिल कौशल सुपुत्र कुशाल चंद 27 निवासी चौकाड के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि साहिल कौशल देहरा की ओर से जा रहा था कि नकेड़ पुल के पास उसकी बाइक गहरी खाई में जा गिरी और इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक गहरी खाई में कैसे गिरी, यह हादसा कैसे हुआ, यह तो पुलिस जांच के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन हादसे का पता चलते ही मौके पर पहुंची देहरा पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर गहनता से जांच शुरू की है। खबर की पुष्टि डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने की है। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉगिन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबा घाट के समीप सड़क जर्जर हाल में है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जर्जर होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। खासा परेशानियों का सामना दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को करना पड़ रहा है। गड्ढे में पानी भरा होने के कारण लोगों को सड़क पर पैदल चलने में भी काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की सही तरीके से इसकी मेटलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से जहां दोपहिया वाहन चालक व राहगीरों को परेशानी हो रही है, वहीं बस और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 4 लेन का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन बेहतर सड़क व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ पर लगातार हादसों का अंदेशा बना रहता है। गड्ढे 1 महीना हो गया इन गड्ढों को पड़े हुए, यहाँ पर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। कल परसों भी एक बाइक वाला गिरा, उसकी टांगों में चोटें आई, और 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया जहाँ खड्डे पड़े, कोई भी ध्यान दे नहीं है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग ये करते हैं प्रशासन को भी जल्दी से जल्दी इन खड्डों को पूरा किया जाए, पानी को बंद किया जाए। यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया पानी। अच्छा जी, मेरा नाम आम जनता की समस्या है जी, और आम जनता इस चीज़ से बहुत परेशान है, और ये कम से कम 1 महीना हो गया जी। आईपीएच विभाग या कोई भी विभाग इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये पाइप टूटी मेरा ख्याल 1 महीना से हो गया, 2 या 4 दिन बाद कोई भी विभाग का आदमी आता है जी यहाँ पे, दो टुच मार के चला जाता है, और ये जाने के तुरंत बाद ये फिर लीक हो जाती है। हम ये मांग करते हैं कि इसको ठीक ढंग से सुचारू रूप से सुधारा जाए। आपका नाम? यादव शर्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार रोड सेफ्टी जैसे अहम मामले को लेकर प्रदेश में एक निरीक्षण करवा रही है। इसी कड़ी में रोड सेफ्टी निरीक्षण को लेकर एक टीम परवाणु पहुंची। इस दौरान सर्वेक्षक टीम द्वारा लोगों के पास जाकर रोड सेफ्टी के बारे में बता रही है, और उनसे रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग यदि चाहिए तो उन सभी लोगों का नाम मोबाइल नंबर भी लिया जा रहा है, ताकि सरकार जब रोड सेफ्टी को लेकर ट्रेनिंग करे तो इन सभी इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सके। निरीक्षण टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे सर्वेक्षक मुकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के लिए रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी रोड सेफ्टी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जो निरीक्षण करवाया जा रहा है उस पर आम जनता की राय भी ली जा रही है।
इस दौरान सर्वेक्षक मुकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना को लेकर एक नियम भी बनाया है, जिसमें यदि वाहन चालक चोटिल हुए व्यक्ति की सहायता करता है तो उस व्यक्ति को प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हाँ जी सर, बताएंगे आज जो आप एक रोड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, क्या कुछ है ये? सर सबसे पहले मेरा नाम तेज सिंह है और हम शिमला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम ट्रांसपोर्ट वालों के साथ मिलकर एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर रोड पर एक्सीडेंट होता, मैक्सिमम लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि अगर रोड पर एक्सीडेंट होता पुलिस की दिक्कत आती है, कि लोग डरते हैं कि पुलिस के झंझट होगा उन्हें जो कि जाना पड़ेगा, तो इसमें हम अवेयर कर रहे हैं कि जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट होता है और आप उसकी हेल्प करते हैं तो आपकी मर्जी के बिना पुलिस आपसे पूछताछ नहीं कर पा सकती और आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल भी ले जाते तो हॉस्पिटल का जो खर्चा आएगा वो हॉस्पिटल पूरा का पूरा खर्चा उठाएगा। और इसमें अगर मान लो पुलिस को ज़्यादा ही ज़रूरत है पूछताछ करने की तो वो उस व्यक्ति की मर्जी के हिसाब से होगा। जो व्यक्ति अगर कंफर्टेबल है वो अपने घर से भी बता सकता या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता सकता। और इसके साथ साथ सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई व्यक्ति इसकी हेल्प करता है किसी की तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 5,000 रुपये इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से चला हुआ है, हिमाचल गवर्नमेंट, तो आप क्या इसमें रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हो साथ में एंट्री वगैरह जो भी है? जी हाँ, अभी तो हम सर्वे आने वाले टाइम में सरकार इसकी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएगी तो हम लोगों से पूछ लेंगे अगर कोई ट्रेनिंग करने का इच्छुक है तो सरकार उसको इसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिख रहे हैं, उनका एड्रेस भी लिख रहे हैं तो सरकार कॉन्टैक्ट करेगी और जो अगर निजी कहीं भी यहाँ आस पास ट्रेनिंग होती तो उन सबको बुलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जवाली राजा का तालाब मार्ग पर कहरिया के नजदीक बट का वृक्ष गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। बट वृक्ष गिरने से बिजली की तारें टूट गई तथा बिजली के 3 पोल उखड़ गए। बिजली की तारें भी सड़कों पर बिखर गई, देखते ही देखते जाम लग गया। कुछ बसें कहरिया से मतलाहड़ होते हुए राजा का तालाब की तरफ गुजरी। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय नीचे से कोई नहीं गुजर रहा था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उक्त स्थान पर काफी संख्या में दुकानदार व लोग एकत्रित हो गए। तारे टूटने से बिजली गुल हो गई, बिजली गुल होने से कामकाज ठप हो गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ चंडी दरबार में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रविवार सुबह महाआरती के पश्चात झंडा रस्म की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हाजिरी भरी। माँ चंडी दरबार के भक्तों में भी उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। श्रद्धालु माँ के जयकारे लगाते हुए माँ चंडी के दर शीश नवा रहे थे। दरबार को रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया गया है। रविवार को झंडा रस्म के साथ भंडारा भी लगाया गया। बता दें कि यह दरबार निजी घर में है तथा इस दरबार को पासू माता जी का आशीर्वाद है। वैसे तो यहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। मंगलवार व रविवार को यहां विशेष गद्दी लगाई जाती है व विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। चंडी के भक्तों का मानना है कि माँ चंडी के दरबार में सच्चे दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है और यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। आयोजनकर्ता ने बताया कि माँ चंडी के दरबार में उत्सव में स्थानीय व बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। वार्षिक उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा ही माँ के भजनों से माँ का गुणगान किया गया। 15वां वार्षिक भंडारा माँ की कृपा से सफल रहा। इस दौरान उनके शिष्य धार वाली माता चामुंडा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बंगाल से आए हुए गुरु ने माँ चंडी दरबार में महाआरती की। आज दोपहर न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।